आपका भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ, वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं। 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में, उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे, तब देखा था। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग 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 गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा, वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी के डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए, जो कुछ आज थोड़े वो प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली, बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर आर पाटिल, दिलीप वसे पाटिल, जयंत पाटिल,
हम सुनील तटकरे हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय पंसोड़े हो या अपना आदित्य तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये यूनिवर्सिटी में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे बैठेंगे तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी।